आओ आओ असाबे सुफा में बैठने वाली शख्सियत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी की बात को सुना, चबूतरे पर आए और बैठ गए। हर सहाबी जिनका मदीने में रिश्तेदारी थी, जिनके पास घरदार था, बीवी बच्चे थे, सो अपने अपने घरों की तरफ चले गए माल लाने के लिए। हजरत जायद रजी अल्लाह तआला अन्हु चबूतरे पर आए सहाबे सुफा के, बैठ गए, इस्तेमान से देखने लगे, सोचने लगे, या अल्लाह क्या कमजोर बनाया है तू, तेरी मसलहत है अल्लाह, जैद के पास कम से कम एक खजूर नहीं है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता, या अल्लाह तू जैद के हालात से बाखबर है। सोचो अजीजाने मोहतरम, मेरे साहबा ने कैसा जज्बा दिलाया इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। जैद रजी अल्लाह तआला नु कह रहे हैं, अल्लाह कुछ नहीं है जैद के पास देने के लिए, नबी ने इसरार किया इस्तेदात के मुताबिक दिया जाए, जैद की इतनी भी इस्तेदात नहीं कि कुछ इस्लाम के लिए कर दिया जाए। चबूतरे से उतरे और मस्जिद नबवी के बाहर आए, सोचने लगे क्या किया जाए। जहन में आया फलाने यहूदी के पास कुछ काम है, काम कर लूंगा। गए सुबह के वक्त में और काम में जी को लगाया, पूछा काम है, यहूदी ने कहा है ये कुआ है और ये डोल है, इससे पानी खींचना है और फिर ये पानी मेरे खेत को डालना है सुबह से शाम तक। अल्लाहु अकबर। सोचो मेरे नजीज नौजवान साथियों, मेरी माओ बहनों, साहबा ने कितनी कुर्बानियां दी इस्लाम के लिए, कैसा जज्बा उनके पास था, तभी तो अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन पर रखते हुए जन्नत की बसारतों से नवाज दिया था। जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु कुएं के पास डोल से खींच रहे हैं, डोल डाला बोली में, डोल भर गया, रस्सी से खींच रहा अल्लाह का बंदा, डोल ऊपर आते आते पानी आधे से भी ज्यादा कम हो रहा है, इसलिए कि उस जालिम यहूदी ने मुसलमान होने की दुश्मनी में डोल में सुराख कर दिया था जो पानी नीचे से गिर जाता था। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डोल डाल रहे और खींच रहे हैं, खींचते खींचते उन्हें यह तक होश नहीं रहा कि हाथ की चमड़ी छिल रही है और उसमें से खून निकल रहा है। खींचते खींचते शाम हो गई, जब सूरज गुरूब हुआ, जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु उस यहूदी के पास गए, कहा मेरी मजदूरी लाओ, सुबह से मेहनत कर दी है, पानी बहा दिया है तेरे खेत में, मेरी मजदूरी लाओ, जल्दी करो, नबी का हुक्म है। जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, उस यहूदी ने घर में गया और आते आते चंद खजूर को अपने हाथ में लाया और उनके हाथ में रख करके कहा कि यही तेरी सुबह से लेकर शाम तक की मजदूरी है, ले जाना। अल्लाहु अकबर। जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए, मेरी इस्तेदात यह है कि चंद खजूर ऐसे ही अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर सकता हूं। आगे बढ़े, नबी की खिदमत में हाजिर हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जैद कहां से आ रहे हो, जैद ने अपने हाथों को छुपाया, नबी ने कहा बताओ कहां से आ रहे हो, जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने जख्मी हाथों को नबी की तरफ फैला रहे, जैसे ही हाथों को फैलाया अल्लाह के नबी ने देखा, पूछा जैद यह जख्मी हाथ कैसे, तमाम वाकये को बयान किया और कहा वो यहूदी ने सारे दिन की मजदूरी के अवज में इतने खजूर दिए हैं, या रसूल अल्लाह असाबे सुफा में रहने वाला हूं, गरीब आदमी हूं, कुछ इस्तेदात नहीं है, लेकिन मेरी अल्लाह ने इस्तेदात इतनी बनाई कि मैं ये माल लाया हूं और आपके रस्ते में खर्च करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जैद ये तेरा माल इतना नहीं, सहाबा को बुलाया और कहा एक अंबार जो लगा हुआ था माल का, उस माल के सबसे ऊपर जैद रजी अल्लाह तआला के खजूरों को रखकर कहा, अरे जैद ये सारा का सारा माल तेरे इन खजूरों के मामले में कोई अहमियत नहीं रखता।